आशीष जी आपसे बात शुरू करते हैं। अभी तक बात गोल मोल कही जाती थी ताकि नेता भी जानता था कि कोई रट्टा नहीं फंसे, कोई कलेश नहीं लग जाए पीछे, ठीक। तो वो कहते हमारे समर्थकों के नाम उड़ा दिए, ऐसा मतलब गोल मोल जलेबी है। आज तक मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी ये आरोप नहीं सुना कि किसी ने कहा कि ठाकुर काट दिए, बनिया जोड़ दिए, हिंदू हटा दिए, मुसलमान जोड़ दिए, इस टाइप की बिल्कुल ऐसी धारणा। इस बार अखिलेश जी ने मंच से कहा कि यादव और मुसलमान, आयोग ने कह दिया भैया सबूत लाओ 403 विधानसभा के। आपको लग रहा मामला थोड़ा कैड़ा फंस गया? अभी तो झंझट रामपुर का ही चल रहा था, ये और कलेश आ गया। आशीष जी, अमिताभ जी, एक बात मैं व्यक्तिगत अनुभव से कहना चाहूंगा। जब 2019 में मैंने उपचुनाव लड़ा था और चुनाव के परिणाम के बाद जब मैं लोगों के बीच जाता था, तो अक्सर जो कि माना जाता है कि यादव और मुस्लिम जो है उनका वोट अधिकांश रूप से समाजवादी पार्टी को जाता है, ऐसा एक मान्यता है लोगों में, एक ऐसी धारणा। तो मैं उनसे पूछता था तो कई जगह ऐसा सुनने में आया कि जैसे जिस परिवार में 8 से 10 वोट थे उसमें 2 से 3 नाम जो है वो नहीं होते थे, जब वोट डालने गए तो नहीं हुआ। तो ऐसा ऐसी चीजें बहुत बार मैंने व्यक्तिगत रूप से जब जो घूमा देखा। और एक और चीज देखी कि बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनका जिस पोलिंग बूथ पे घर के नजदीक जो पोलिंग बूथ थी उस पे नाम होना चाहिए था, तो वो कहीं 2-3 किलोमीटर दूर आगे किसी एक पोलिंग पे चले गए, ऐसे भी बहुत से चीजें हुई थी। तो अब ये ऐसा हुआ है कि मैंने भैया आशीष बाबू, मसला इतना सरल नहीं, मसला ये कि 2.5 से 3.5 लाख की पोलिंग है विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम में 3.5 लाख और मिनिमम मेरे ख्याल 2.5 लाख होगी, 2.5 से ऊपर ही। हाँ, उसमें 40,000 वोट कट जाए और 6 महीने बाद समझ आए किसी को। एक सेकंड सुन ले, मेरा निवेदन, पॉलिटिकल पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो सत्यनारायण कथा में तो बैठते नहीं, खाली होते हैं। उनका काम होता है कि जब मतदाता सूची में संशोधन का नोटिस निकल, विज्ञापन निकलता है तो हर पार्टी एक चिट्ठी जारी करती है अपने ग्रास रूट लेवल तक के कार्यकर्ता को कि आ जाइए, फॉर्म भरवाइए, लोगों की मदद करिए, देखिए आपका कोई आदमी का नाम नहीं कट जाए, उसके परिवार के सारे लोग उसमें शामिल हों। ये नहीं करते। अभी नगर निगम के लिए यूपी में चल रहा है ना ये, तो अगर 40,000 वोट कट गए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि लगभग 20,000, 40,000 नहीं कहा है, लगभग 20,000 वोट उन्होंने एक अनुमान दिया है कि अब वो एग्जैक्टली हर एक उसमें 20,000 गिन करके तो नहीं काटे गए होंगे, अगर कम भी हुए होंगे। ऐसी कोई मशीन तो आई नहीं कि भाई जिसमें ये सेट कर दो कि यादव और मुसलमान काट लो। मान लो कोई विज्ञान चमत्कार करे भी तो मशीन ऐसी नहीं आ सकती कि यादव में यादव में भी दो गोत्र हैं। आप भी जानते हैं कि दो तरीके के फॉर्म, किसकी काटे किसकी नहीं काटे, बढ़ाने के लिए जैसे कि दो दो फॉर्म भरे जाते हैं, एक नाम बढ़ाने के लिए, एक नाम काटने के लिए, कि ये नाम जो है इस पे नहीं होने चाहिए, ये नहीं रहते हैं। ठीक है आशीष बाबू, ठीक बात है। मैं आऊंगा आपके पास, सुनील अर्कवंशी के पास चलूंगा, क्योंकि इनकी पार्टी जात का बड़ा गणित रखती है, इसलिए पहले इनसे ले लूं सवाल फिर बाकी से। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं ऐसे ही व्यवस्था को देखता रहा, आज से नहीं, जब सब काम हाथ से होता था तब भी कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, कहते हैं कि अमिताभ जी वो भैया भी हो गए 18 के, वोट बनना है उनका है, ये प्रक्रिया होती है, ठीक। वो बीएलओ से लेके एसडीएम तक के दफ्तर रोज संपर्क में रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि भांग पी के सो गए। सुनील अर्कवंशी, क्या ऐसा संभव है कि 20,000 यादव और 20,000 मुसलमान किसी ऐसे किसी मशीन के जरिए, कोई सॉफ्टवेयर के जरिए कट जाए? क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसे पहचानेगा कौन यादव है कौन मुसलमान? नहीं नहीं अमिताभ जी, सबसे जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं जी, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को कहने के लिए इतने बड़े ओझा हो गए हैं कि उनको इस तरीके का ज्ञान हो गया कि हमारे लोगों के वोट कट गए। इससे पहले उन्होंने चिट्ठी, चुनाव जब शुरू हुआ था उससे पहले चिट्ठी जारी करी थी उन्होंने, इसी वोट को लेकर जब वोट की प्रक्रिया चल रही थी, तो जो चुनाव आयोग ने नोटिस
भेजा है माननीय अखिलेश यादव जी को, तो माननीय अखिलेश यादव जी को जब आभास हो गया कि हमारे वोट कट गए, तो वो चंद लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी के आगे पीछे घूमने का काम करते हैं, जिनको नवरत्न कहते, उनको ऊपर कार्रवाई करते और उसके बाद में चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते, तो शायद ये साबित हो जाता। और वो लोग क्या करते रहे आपके फील्ड में, आपके लोग कैसे वहां पर काम करते रहे जो इतना वोट आपका कट गया, और सिर्फ दो जातियों का वोट, आपके साथ तो सभी जातियां लगने लग के काम आपको सरकार बनाने के लिए तैयार थी। राजभर समाज के लोग, माननीय नेताजी हमारे साथ आपके साथ जुड़ गए, मौर्य समाज के लोग जुड़ गए, हरपंथी समाज के लोग जुड़ गए, पाल समाज के लोग जुड़ गए, आपके साथ सभी लोग जुड़ गए, तो क्या मात्र खाली आपका वोट काट दिया गया? तो आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और किस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये आप पहले खुद तय कर लें कि आप किस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं। आप सबूत दीजिए ना, अब आपको सबूत देना पड़ेगा इस बात को लेकर, एक जो एजेंसी बनी हुई है, और ताकि ताकि नेताओं की भाषा पर कुछ नियंत्रण रहे। आजम खान साहब इतने हिस्से के चलते ही विधायक की जा रही है, बाकी कोई समस्या तो इतने की तो समस्या है, बोल ज्यादा देते हैं, बिल्कुल वोकल कॉर्ड की समस्या है, लपेट के। मैंने उनको कई बार समझाया था कि थोड़ा कंट्रोल रखो महाराज, हैं? एक भाषण है जिसमें वो कह रहे कि एक अधिकारी के लिए कह रहे कि उसकी मां की कोख पर जाके लात मारो, कैसा कमीना पैदा किया, ये भाषा है, नप गए? बिल्कुल अमिताभ जी, ये नहीं होना चाहिए। महर्षि पाणिनि ने एक श्लोक में कहा, मुझे याद आ गया तो बता दूं, उन्होंने कहा कि जैसे शेरनी अपने बच्चे को मुंह में दबा के, छोटा जब बहुत होता है बिल्कुल, इधर से उधर ले जाती है तो देखने वालों को कुछ भी लगे, लेकिन शेरनी इतनी सजग और सचेष्ट रहती है कि बच्चे के कहीं दांत लगे, दांत ना लगे, उसकी सांस ना रुके। तो पाणिनि ने कहा कि जब बोलिए तो शब्दों के साथ इतनी ही सतर्कता बरतिए, बात आए लेकिन अभद्रता नहीं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। विकास श्रीवास्तव जी, खैर चलिए, हम आजम साहब की बात अलग है, फिर कभी करेंगे। आज मूल विषय, क्या ऐसा संभव है कि किसी पार्टी के 20,000 वोट एक विधानसभा, हर विधानसभा सीट में का क्षेत्र में कट जाएं, और इस बात का इल्म उसको चुनाव के परिणाम आने के 6 महीने बाद, 180 दिन बाद हो? ये तो बहुत पहले। अभी मैं एक 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 बात और कह दूं, आजकल नगर निगम के लिए वो चल रहा है फार्म भरवाने वाला काम, नगर निगम की सूची के लिए रोज मुझे 4 लोग आते हैं फार्म देने, कहां तक टालूंगा? कहते सर आपके पास टाइम नहीं, बस 2 मिनट दे दीजिए हमको, है हम ही भर देते, आप दस्तखत कर दीजिए। विकास जी, ऐसा कभी संभव है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। कि अगर जो पार्टी जागरूक है और जिस पार्टी के मतों की बात हो रही है वो उनके किसी पार्टी जी। और आपने अगर बचाव की राजनीति की है और लगातार आप बचाव की राजनीति में रहे हैं, हमेशा आप बचते रहे हैं, तो बहुत दिन तक आपको ये देश नहीं स्वीकार करने वाला। जब आप खुल के नहीं खेल पा रहे हैं और लगातार एक मत पर आप अपना अधिकार बताते हैं, अगर उन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया तो आज आप रचनात्मक सृजनात्मक कार्य करने के बजाय एक अनर्गल प्रलाप आपने किया, और ये चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा है, इसका जवाब वो देंगे। पर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि किसी का वोट कट रहा था और समाजवादी पार्टी जो ग्राउंड लेवल पर अपने आप को बड़ी जिम्मेदार पार्टी मानती है, जिसके वर्कर बूथ बूथ पर बताते हैं, वो अखिलेश यादव जी को अपने उन वर्करों से भी पूछना चाहिए था कि आखिर वोट कटते रहे वो कहाँ थे जी। और इसका जो लिखा पड़ी में जवाब देना है वो तो अखिलेश यादव जी को देना है, नवंबर तक का पूरा समय है और वो राज से प्रस्तुत करें। नवंबर आ गया भैया, अब महीना जाते में कितना देर है? 20 तारीख है, अब तो अभी भी समय है उनके पास, टाइप कराना शुरू करोगे तो 10 तक टाइप हो पाएगा, क्योंकि 403 विधानसभा क्षेत्र का देना है भैया। चुनाव आयोग ने भी लकड़ी पूरी लगाई है, चाहे उसने कहा 403 का लाओ साक्ष्य। देखिए अगर वर्कर हैं और पर अगर उनके पास बातों में दम है तो वो साबित करना चाहिए उनको जी, क्योंकि यादव और मुसलमान किसी का वोट बैंक नहीं है, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल लेनी पड़ेगी जी। अगर आप मैच फिक्स करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल रहे हैं
और आप अवसर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, नफरत विघटन की सोच में आप उनका साथ दे रहे हैं, तो आपको ऐसे जवाब भी अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो इसका जवाब का आपको देना ही पड़ेगा। अरे ये तो बड़ी बात कह दी भाई, अभी तक की बात ओबीसी के लिए कही जाती थी, मतलब ये तो कृष्ण गोपी सिंह की पार्टी तो लग रहा कृष्ण कन्हैया हो गई, सारी गोपियां कृष्ण के ऊपर आ सकता है। बताइए क्या कह रहे हैं विकास जी, ये तो गंभीर मामला हो गया। खैर आएंगे आशीष जी से, उसको उत्तर बाद में लेंगे। मिश्रा जी, वोट कट जाता है तो भी अंत में एक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होता है कि भाई ये सूची है, इस पर चुनाव होगा, 3 दिन है, अभी भी कुछ कहना हो तो तुरंत आके तहसील में कह दो, एसडीएम क्या कह दो, क्या नहीं, वो इसीलिए होता है। तब क्यों नहीं गए अमिताभ जी? केवल इतना ही नहीं, जो आपने बोला वो सही है, 1, 2, 3, 4 या 5 लोगों का भी वोट अगर नहीं पड़ता है ना वोटिंग डे पे, तो हल्ला मच जाता है और मीडिया रिपोर्ट आने लगती है सुबह 7 बजे कि वहां ईवीएम खराब हो गई, इनका वोट नहीं पड़ने दिया गया। ये भी नहीं हुआ, 6 महीने तक भी कोई हल्ला किसी ने नहीं मचाया। देखिए ये मुद्दा बड़ा स्ट्रेटजिक और गंभीर है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन वो संस्था है जो कि पूरी दुनिया में इसलिए जानी जाती है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में पूरे के पूरे चुनाव को निष्पादित करवाना समय सीमा समय अवधि के भीतर और निष्पक्ष तरीके से। पूरी दुनिया में लोकतंत्र अगर बचा हुआ है तो वो भारतीय इलेक्शन के कारण उसकी एक साख है। ऐसे नेता मैं इन लोगों को बहुत समझदार कहूं या बहुत बड़ा नादान बोलूं, भारतीय सेना की साख पूरी दुनिया में है, इलेक्शन कमीशन की साख पूरी दुनिया में है, इनके ऊपर आरोप लगाने का मतलब कि भारत की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पे करना। चाइना वगैरह कुछ ऐसे देश हैं इन चीजों का फायदा उठाते हैं, पाकिस्तान वगैरह, राष्ट्र को ये कई कदम पीछे धकेल देते हैं 2 मिनट माइक पे बोल के। अखिलेश यादव जी की भाषा बता रही है कि जैसे ये सोए हुए मुसलमानों और यादवों को जगा रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हो गया कि अब तो ये कर दो वो कर दो। इन लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए, समझ में ये नहीं आता है कि छोटी छोटी बातें जो आप बोलते हैं ना, ये केवल एक किसी जिले का चुनाव या वहां तक उसका इम्पैक्ट नहीं रहता है। मैं धन्यवाद इलेक्शन कमीशन को दूंगा, अभी मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को बोला था, सीबीआई ने भी तल्ख लहजा अपनाया, पिनपॉइंटेड होना चाहिए, इन्होंने आरोप लगाया। मैं अखिलेश यादव को भी धन्यवाद देता हूं, अब जरा पिनपॉइंटेड क्वेश्चन और आंसर होने दीजिए दोनों संस्थाओं के बीच, ताकि मैं इस बात से खुश हूं कि जलेबी ना इधर से ना उधर से, सीधा तीर इधर से सीधा तीर उधर से, अब झेलो भैया, बिल्कुल होना चाहिए ठीक। जलेबी वाला युग चला गया।